हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें महिला मोर्चा का विस्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकारी अध्यक्ष मंजू तिवारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में 11 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि आने वाले समय में महंगाई, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलनरत रहेंगी। साथ ही आम आदमी पार्टी राज्य में आने वाले हर चुनाव में प्रतिभाग करेगी। इसके अलावा राज्य के विभिन्न ज्वलंतशील मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाकर आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित करना पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया है। आज महिलाओं को बहुत जिम्मेदारी दी है हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमारी प्रभारी जी ने, मोहनिया जी ने, और हमारे शिशुपाल जी जो हमारे साथ हैं अभी। और महिलाएं आधी आबादी इस देश की है, और विशेषकर उत्तराखंड जो राज्य है वो महिलाओं पर आधारित है, इसलिए हम अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ेंगे और जनता तक इन जन विरोधी नीतियों को उनके घर घर तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं की सुविधा सुरक्षा नहीं है। आज देवभूमि में भी दुष्कर्म हो रहे हैं, आपको पता है, आए दिन दुष्कर्म हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ घरेलू हिंसा, बलात्कार, ऐसी सरकार के नाक के नीचे ये काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो जन विरोधी नीतियाँ हैं हम जनता तक ले जाएंगे, और लोग बहुत परेशान हैं, कर्ज लेकर घर चला रहे। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है और जनता का मन उन्होंने भटका रखा है, कभी धर्म, कभी सांप्रदायिकता। और जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, आज सिलेंडर 1075 हो गया है। महंगाई कम करने का वादा करके सत्ता में आए थे और 2 करोड़ नौकरी देने के वादा करके आए थे। आज देश की, प्रदेश की जनता बहुत आहत है। आज हमारे अग्निवीरों के साथ क्या हो रहा है, 1 के साथ 4 फ्री है, 4 साल की उनको नौकरी देके उनको रिटायर किया जा रहा है। मतलब देश में सब चीज़ का निजीकरण हो रहा है, देश की सुरक्षा को भी दाव में लगा दिया गया है, हमारे अग्निवीरों को भी सुरक्षा, उनके जीवन को लेके हमारे युवा बहुत परेशान हैं।